बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी के दो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल को कवर करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल लॉन्ग प्रैक्टिकल के अंदर आ जाते हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहला है रैबिट आई वाला प्रैक्टिकल और दूसरा है आईलियम वाला प्रैक्टिकल। ओके, तो आपको ये बात पता है कि जो रैबिट की आई है, यानी सिंपल जो आइज़ होती है, आइज़ के अंदर दो टाइप के स्मूथ मसल होते हैं, यानी जो आयरिस के मसल होते हैं। एक होता है पिपिलरी डायलेटर या डायलेटर पिपिलाई मसल, दूसरा स्फिंक्टर पिपिलाई मसल। जो स्फिंक्टर पिपिलाई मसल है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, डायलेटर पिपिलाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ठीक हो गया। जो डायलेटर पिपिलाई है इसने पिपल की डायलेशन करा देनी है, जिसको मिलिट्रियासिस कहते हैं, और जो स्फिंक्टर पिपिलाई है इसने पीपल की कॉन्स्ट्रक्शन करा देनी है, जिसको मियोसिस कहते हैं। ओके, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने मियोसिस करवा देनी है। ओके, और इसके अलावा सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फाइनली उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा और एकोमोडेशन होती है फॉर द नियर वीएन। इसको अपोजिट कर दे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बन जाएगा, जिसमें मिडरियासिस है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर और एकोमोडेशन फॉर फार वीएन होती है। कुछ मियोटिक ड्रग होती है, तो मियोटिक ड्रग के अंदर पैरासिम्पैथोमिमेटिक और सिंपैथोलिटिक होती है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक चूँकि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन करवा के मियोसिस करवा देनी है, तो उसको एक्टिव मियोसिस कहते हैं, जबकि सिंपैथोलिटिक ने अपोज करके मियोसिस करवानी है, तब इसको हम पैसिव हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पाइलोकार्पिन होती है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एल्केलाइड है, कार्बाकोल है, फाइसोस्टिगमीन इकोथायमेफेट होती है, जबकि सिंपैथोलिटिक के अंदर ग्वानिथिडीन है। पैरासिम्पैथोलिटिक में एयरट्रोपिन है, होमेट्रोपिन है, ट्रोपिक एमाइड है, जबकि सिंपैथोमिमेटिक में एड्रेनालिन, फिनाइलएफरीन और कोकेन है। इसके लिए एपरेटिस एनिमल यानी रैबिट चाहिए, कॉटन वूल चाहिए, वैक्स है, टॉर्च है, स्केल है, पेयर ऑफ सीजर है, ट्रॉपर होता है। जो ड्रग्स हमें रिक्वायर होती है उसमें एयरट्रोपिन सल्फेट है, पाइलोकार्पिन है, कोकेन, हाइड्रोक्लोराइड और एड्रेनालिन होती है। ओके, यानी जो एयरट्रोपिन है वो पैरासिम्पैथोलिटिक है, फिर आपने पैरासिम्पैथोमिमेटिक ले लेना है, फिर इसके बाद दो सिंपैथोमिमेटिक है जिसमें कोकेन और एड्रेनालिन होती है। सबसे पहले आपने रैबिट ले लेना है, फिर उसकी आईलैशेस के ऊपर वैक्स अप्लाई करनी है ताकि स्टिकी बन जाए इसकी आईलैश। ठीक है, फिर इसको आपने आईलैशेस को कट कर देना विद द हेल्प ऑफ सीजर, और फिर आपने फॉलोइंग पॉइंट्स को नोट करना। सबसे पहला साइज़ ऑफ पिपिला, इसके बाद कंजक्टिवा को देख लेना, कंजक्टिवा की स्टेट क्या है, यानी किस क्या कंडीशन है, लैक्रिमेशन के स्टेटस क्या है, लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और कंजक्टिवा रिफ्लेक्स। लेकिन मेनली हमने लाइट, कॉर्नियल, कंजक्टिवा रिफ्लेक्स और इसके अलावा पिपिल के साइज़ को देखना होता है। इसके बाद आपने लोअर आईलिड को पुल करना है डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ओके, और जो अननोन ड्रग है, ओके, ठीक है, एक मिनट के इंटरवल के ऊपर अप्लाई करनी है। फिर इसके बाद ऊपर वाले पैरामीटर्स को, जिसमें प्यूपल का साइज़ आता है, रिफ्लेक्सेस है, कॉर्नियल, लाइट रिफ्लेक्स, कंजक्टिव रिफ्लेक्स, इनको नोट करना है 5, 10, 15 मिनट के इंटरवल के ऊपर। प्रिकॉशन ये है कि रैबिट को अच्छे तरीके से हैंडल करना है, टेस्ट आई को यूज़ करना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल है, और ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप्स, यानी ड्रॉप्स को लोअर कंजक्टिवा में डालने के लिए आपने लोअर आईलिड को नीचे की तरफ डालना है। ओके, और नेजो लैक्रिमल डक्ट को ब्लॉक कर देना है बाय प्रेशर विद अ थंब। ओके, और साइज ऑफ पीपल को मेजर करने के लिए हम जो एग्जामिनर और रैबिट की जो आई है उनका लेवल सेम होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो एयरट्रोपिन है मिलिट्रियासिस करवा देनी है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, एकोमोडेशन फॉर फार वीएन होती है, लैक्रिमेशन की जो सिक्रेशन है वो स्लाइटली डिप्रेस होती है। ठीक है, लैक्रिमेशन पाइलोकार्पिन से बढ़ जाती है और नॉट मच बाय फाइसोस्टिगमिन। कंजक्टिवा रेड होता है, लाइट रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और कंजक्टिवा रिफ्लेक्स दोनों पॉजिटिव होते हैं। पाइलोकार्पिन चूंकि पैरासिम्पैथोमिमेटिक है तो वो मियोसिस करवा देगी, इंट्राओकुलर प्रेशर कम कर देगी, एकोमोडेशन फॉर द नियर वीएना, लैक्रिमेशन सेक्रेशन बढ़ जाती है, लाइट रिफ्लेक्स पॉजिटिव है, कॉर्नियल और कंजक्टिवा रिफ्लेक्स मौजूद होता है। एड्रेनालिन ये सिंपैथोमिमेटिक है, दोनों सिंपैथोमिमेटिक है, मिलिट्रियासिस इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा देती है, लेकिन जो कोकीन है वो लोकल एनास्थेटिक भी होती है। ओके, जो एकोमोडेशन है फार वीएन के लिए, कंजक्टिवा येलो होता है और ब्लांचिंग साइन पॉजिटिव आता है। ठीक है, जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा कोकीन के केस में और कंजक्टिवा रिफ्लेक्स ये एब्सेंट देखने को मिलती है, लाइट रिफ्लेक्स तो मौजूद हो गई होगा। तो ये था रैबिट की आई वाला प्रैक्टिकल। ओके, अब हम इससे रिलेटेड टेबल को कवर कर लेते हैं। ओके, इससे पहले तो हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ ली थी, अब हम इसके इंटरप्रिटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो जो सिंपैथोमिमेटिक है उसने डायलेटर पिपिलाई की कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी है और एक्टिव मिलिट्रियासिस हो जाएगी, जबकि पैरासिम्पैथोमिमेटिक है स्फिंक्टर पिपिलाई की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है और एक्टिव मियोसिस हो जाएगा। जो पैरासिम्पैथोलिटिक है लाइक एयरट्रोपिन है उसने एसिटाइलकोलाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देना है, तो वो पैसिव मिलिट्रियासिस करवा देगा। ओके, जो पैरासिम्पैथोलिटिक है वो लाइट रिफ्लेक्स को भी खत्म कर देगी, जबकि लोकल एनास्थेटिक है लाइक कोकीन है वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स को खत्म कर देती है। लाइक अगर यहाँ पे देखो तो लोकल एनास्थेटिक में लिग्नोकीन है, जो लोकल एनास्थेटिक होती है स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को या इसके मोटर एक्टिविटी को खत्म कर देती है, डेट इज़ वाई कि लिग्नोकीन की वजह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स खत्म होगा।
बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जो सिंपैथोमिमेटिक है उसने मिडरेसिस करवा देनी है, लाइट रिफ्लेक्स मौजूद होगा, कॉर्नी रिफ्लेक्स नहीं होगा। यानी सबसे पहले अगर आपने देखा कि लाइट रिफ्लेक्स मौजूद है या नहीं, अगर लाइट रिफ्लेक्स नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैरासिम्पैथोलिटिक या एट्रोपिन थी, अगर लाइट रिफ्लेक्स मौजूद था तो वो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है यानी फाइसोस्टिग्मिन या पाइलोकार्पिन है, अगर लाइट रिफ्लेक्स मौजूद था तो दो चॉइस होती है, या तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक या सिंपैथोमिमेटिक है, ठीक है। तो फिर आपने पीपल के साइज को देखना है, मिडरेसिस या मियोसिस से आप पता चला लोगे, ठीक है। जबकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स सब में पॉजिटिव होगा सिवाय लोकल एनेस्थेटिक के अंदर, क्योंकि वो स्केलेटल मसल को पैरालाइज कर देती है, ओके, एनेस्थीसिया कर देती है। इसके बाद हम देख लेते हैं रैबिट का आईलियम वाला प्रैक्टिकल। ओके, पहले हमने देख लिया था कि जो रैबिट की आई है उसका क्या इंटरप्रिटेशन थी रिजल्ट्स की। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रैबिट का आईलियम, उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि ड्रग्स किस तरह से एक्ट करती है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक होती है उसने आईलियम के इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देना, सिंपैथोलिटिक ने, सॉरी पहले हम सिंपैथोमिमेटिक की बात करते हैं, पैरासिंपैथोमिमेटिक ने मोटिलिटी को बढ़ा देना, सिंपैथोमिमेटिक ने मोटिलिटी को कम कर देना, इसको अपोजिट कर दो, लाइक पैरासिंपैथोलिटिक ने मोटिलिटी को कम कर देना है और सिंपैथोलिटिक ने मोटिलिटी को बढ़ा देना है। अपरेटस के अंदर आपको काइमोग्राफ मशीन चाहिए, ऑर्गन बात चाहिए, स्मोक ड्रम है, ओके, ठीक है, जो कि काइमोग्राफ मशीन से एसोसिएटेड होता है, ऑक्सीजन ट्यूब है, होल्डर के साथ पॉइंटेड होता है, थर्मोमीटर है, फोर्सेप्स है, सीजर है और टायरॉइड सोल्यूशन होता है। टायरॉइड सॉल्यूशन की कंपोजिशन में भी एग्जाम में पूछी जाती है, NaCl, KCl, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ग्लूकोस है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। इसके बाद हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो प्रोसीजर में एक ही काइमोग्राफ मशीन को सेट करना है, ऑर्गन बाथ को, इन दोनों को सेट कर देना है, इनर चैम्बर को टायरॉइड सॉल्यूशन से फिल करना है, ठीक है, इस तरह से फिल करना है कि आपने आईलियम को अच्छी तरीके से डिप कर देना सॉल्यूशन के अंदर और आउटर चैम्बर को वाटर से फिल कर देना है, जो वाटर का लेवल होता है आउटर चैम्बर के अंदर, ओके, और टायरॉइड सॉल्यूशन के अंदर, यानी आउटर चैम्बर में वाटर और जो टायरॉइड सॉल्यूशन है इनर चैम्बर के अंदर, तो वो सेम होना चाहिए। थर्मामीटर को आउटर चैम्बर में रखना है और वाटर को हीट करना शुरू कर देना है, जो वाटर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है, डेट इज वाई जो थायरॉइड सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो 37 या 36 के आसपास रहे, ठीक है। तो आयलियम लेने से पहले रैबिट को आपने भूखा रख लेना है, आयलियम को डाइसेक्शन करनी है, टिश्यू अराउंड आयलियम को रिमूव कर देना है, फीकल मैटर को रिमूव वगैरह क्लीन वगैरह कर देना है, ठीक है, और एक साइड से थ्रेड से टाई करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने आयलियम को डिप कर देना है, ठीक हो गया, ओके। अपर एंड ऑफ आयलियल वाल को इस तरह से डिप करना है कि जो ल्यूमिन है आयलियम का वो फुली क्लोज ना हो, जो थ्रेड का एक एंड है वो हैंगिंग लीवर से अटैच कर देना है, ओके, जो थ्रेड होती है वो ल्यूमिन से अटैच हो, ऑन द ऑपोजिट साइड है, आयलियम को इनर चैम्बर के अंदर सस्पेंड कर देना है, जो लीवर और पॉइंटर होती है उनको हॉरिजॉन्टल साइड पर रखना है और वो स्मोक ड्रम से अटैच हो, और एक आधे घंटे तक वेट करना है और ऑक्सीजन सप्लाई करनी है थ्रू द टायरॉइड सॉल्यूशन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो सिंपल एयर देनी है, ओके। अगर टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन स्टेबलाइज हो जाती है तब आपने स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड करना है स्मोक ड्रम पर फॉर द 30 सेकेंड है, तो स्मोक ड्रम की जो स्पीड होती है 2 से लेकर 5 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। फिर टायरॉइड सॉल्यूशन के अंदर एक ड्रग ऐड करनी है, इनर चैम्बर के अंदर 30 सेकेंड तक वेट करना है, ओके, ताकि ड्रग अपने रिसेप्टर को कोपाई कर ले। फिर आपने काइमोग्राफ मशीन को स्विच करना है, फिर इसके बाद इनर चैम्बर को ड्रेन आउट कर देना ताकि टायरॉइड सॉल्यूशन को निकाल दे, फिर दोबारा इनर चैम्बर के अंदर टायरॉइड सॉल्यूशन डालना है, फिर हर 30 से लेकर 50 सेकंड में उस पर टायरॉइड सॉल्यूशन को रिमूव कर देना होता है। तो इसके सिंपल स्टेप्स होते हैं। स्टिमुलेटेड ड्रग पर एसिटाइलकोलाइन, हिस्टामिन और बेरियम क्लोराइड है, और इनहिबिटेड ड्रग के अंदर एट्रोपिन और इसके अलावा एंटाजोलिन होती है, ओके। अब हम इसके रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं, ओके, अब हम रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक होती है ड्रग लाइक एसिटाइलकोलाइन है, वो रैबिट के आइलियम को स्टिमुलेट कर देती है, टोन और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जो कि एट्रोपिन से ब्लॉक हो जाएगा, जबकि सिंपैथोमिमेटिक आइलियम के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जो कि एबॉलिश हो जाएगा बीटा ब्लॉकर से। यानी जो एसिटाइलकोलाइन है और इसके अलावा जो कैल्शियम क्लोराइड है मोटिलिटी को बढ़ा देना है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एट्रोपिन डालते हैं। अगर एट्रोपिन डालेंगे और इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है दैट मीन्स कि एसिटाइलकोलाइन मौजूद थी, ठीक है, अगर नहीं होता दैट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड थी। जो KCl है एड्रेनालिन, ये मोटिलिटी को इनहिबिट कर देती है। अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बीटा ब्लॉकर ऐड करते हैं। बीटा ब्लॉकर ऐड करने के ऊपर अगर मोटिलिटी खत्म हो जाती है डैट मीन्स कि वो एड्रीनालिन थी, अगर नहीं खत्म होती डैट मीन्स कि वो KCl है। अगर आप ग्राफ चार्ट पे देखोगे लाइक एसिटाइलकोलाइन ऐड किया तो मोटिलिटी बढ़ गई है, वॉश किया नॉर्मल वापस आ गया, ठीक है, और फिर आपने क्या अप्लाई किया, आपने ड्रग अप्लाई की एट्रोपिन और उसने मोटिलिटी को वगैरह को एबॉलिश कर दिया, डैट मीन्स कि जो सेकंड ड्रग यानी जो पहली ड्रग है वो एसिटाइलकोलाइन है, ठीक हो गया, ओके। तो आप इस तरह से आप ड्रग की इंटरप्रिटेशन वगैरह कर सकते हो। तो ये था बेसिक ओवरव्यू रैबिट का आइलियम और रैबिट की आई वाला प्रैक्टिकल। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।